रविवार को संत रविदास जयंती के मौके पर मुंबई पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यहां दिया एक बयान खूब चर्चा में है। मोहन भागवत ने मुंबई में संत रविदास जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान के लिए सभी समान हैं, उनकी नजर में कोई जाति वर्ण व्यवस्था नहीं है। समाज में आज जो भी जाति व्यवस्था है उनको पंडितों ने बनाया है जो गलत है। संघ प्रमुख ने आगे कहा कि हिंदू मुसलमान सभी एक है, भारत देश हिंदू धर्म के अनुसार बड़ा बने, दुनिया का कल्याण हो, ऐसा भाव सभी का होना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था वाले बयान पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कभी ये धर्म पर हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम करते हैं और उत्तर प्रदेश से लेकर देश के बाकी राज्यों में भी भाजपा और आरएसएस के लोगों का यही टारगेट है कि कैसे धर्म के नाम पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा बांटा जा सके। कभी ये धर्म पर बांटते हैं हिंदू और मुसलमान पर, और अब उत्तर प्रदेश से लेकर बाकी देश में ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी और उनके शाखाओं का टारगेट बना हुआ है। आप जाति के आधार पर समाज को क्यों बांट रहे हैं? गुरु रविदास जी का संदेश जो है वो समानता और स्वयं को आत्मसात करना है। गुरु रविदास जी का की क्या संदेश कभी भी समाज को बांटना हो ही नहीं सकता, ये केवल मोहन भागवत जी का संदेश हो सकता है। मोहन भागवत जी, इस देश में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों पर देश को बांटना बंद कीजिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कभी हिंदू मुसलमान पर देश को बांटती है, अब ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण पर बांटती है। समाज का, देश का अपमान करना बंद कीजिए। वहीं राजस्थान के अलवर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद योगी बालकनाथ ने मोहन भागवत के बयान को अपना समर्थन देते हुए कांग्रेस के ऊपर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि उन्होंने हमेशा जाति बिरादरी के नाम पर देश को बांटा है, तुष्टिकरण की राजनीति की है। देखिए, पंडित का अर्थ मतलब ये नहीं कि कोई पंडित समाज की बात की है उन्होंने। पंडित का अर्थ है कि कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया होगा। लेकिन मोहन भागवत जी ने, माननीय सर संचालक जी ने जो विषय बात कही है, वास्तव में भगवान का जो एक भाव है मानव जाति के लिए, उसी स्वरूप में उन्होंने बात की। कोई जाति नहीं, कोई बिरादरी नहीं, भगवान ने केवल एक मनुष्य का निर्माण किया है और भगवान का अंश प्रत्येक मनुष्य में विराजमान है। मैं तो ये कहता हूँ तो कांग्रेस ने काम किया भाई। कांग्रेस का तो इतिहास गवाह है कि उन्होंने सदैव जाति बिरादरी पर देश के लोगों को बांटा है, हिंदू मुस्लिम पर देश के लोगों को बांटा है, तुष्टिकरण की उन्होंने राजनीति की है। एक संप्रदाय विशेष को किस प्रकार से सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता था, बाकी देश के लोगों को लाभ नहीं मिलता था, ये तो कांग्रेस ने जो किया है उसका आज खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। माननीय प्रधानमंत्री तो देश को एकजुट और अखंड किया है। छत्रपति शिवाजी ने दी थी औरंगजेब को चेतावनी। आरएसएस प्रमुख ने मुंबई पहुंचकर छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र करते हुए कहा कि काशी में मंदिर तोड़े जाने के बाद शिवजी ने औरंगजेब को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी। लिखा था कि हिंदू और मुसलमान एक ईश्वर की संतानें हैं, उनमें किसी एक का क्रूरता करना गलत है और इनको नहीं रोका गया तो वो अपनी तलवार उठाकर इसका जवाब देंगे। संत रविदास को बताया तुलसी कबीर से उच्च। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि संत रविदास तुलसीदास और करीब दास से भी ऊंचे थे, इसलिए वो संत शिरोमणि थे। संत रविदास ने लोगों के मन को छुआ और उन्हें विश्वास दिलाया कि भगवान है। आगे मोहन भागवत ने कहा कि संत रविदास ने समाज को धर्म के आधार पर कर्म करने का उपदेश दिया और अब बुद्धिजीवी संतों का यही मकसद रहा है कि धर्म से जुड़े रहो। वही रामचरितमानस को लेकर अपने बयान की वजह से इन दिनों सुर्खियां बटोर रहे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब मोहन भागवत के जाति व्यवस्था वाले बयान को, तो उन्होंने इस बहाने भाजपा पर हमला कर मोहन भागवत के बयान को सही बताया। सभा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट के जरिए सियासी माहौल को गरमाने की कोशिश की। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जाति व्यवस्था पंडितों ब्राह्मणों ने बनाई है, ये कहकर मोहन भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़े वर्गों को गाली देने के धर्म के ठेकेदारों व ढोंगियों की कलई खोल दी। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।